जब भी हम अपनी मम्मी दादी नानी से ब्यूटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे उपटन का नाम जरूर आता है, बिकॉज उपटन इंडिया का सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है जिसे हम पहले यूज करते थे और अब भी यूज करते हैं। उपटन से हमें इंस्टेंट ग्लो मिलता है, वो भी नेचुरल बेनिफिट्स के साथ, बिकॉज ये हमारी स्किन में कोई भी स्किन इन्फेक्शन या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ही DIY उपटन शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप चाहे तो रेगुलर यूज कर सकते हैं या जब आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए किसी फेस्टिवल के लिए, किसी वेडिंग के लिए, किसी बर्थडे पार्टी, या जब आप अप्लाई करना चाहें, जस्ट आप 10 मिनट पहले इसे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना मन चाहा मेकअप कर सकते हैं या फिर आप बिना मेकअप के भी रेडी हो सकते हैं, बिकॉज ये आपकी स्किन को बिल्कुल चमका देता है। एंड इसके साथ में ये स्किन में नेचुरल बेनिफिट्स भी ऐड करता है, यानी कि स्किन में जो न्यूट्रिशन की कमी है ना, जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक पिंपल, एक्ने या पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये हमारी स्किन में न्यूट्रिशन को ऐड करने वाला है, साथ में कोलेजन को बूस्ट करने वाला है। कोलेजन से हमारी स्किन में नेचुरल ग्लो भी रहता है, साथ में हम यंग भी नजर आते हैं, यानी कि हमारी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस एंड स्मूथ हो जाती है। जो भी स्किन पे फाइन लाइन, रिंकल्स या एजिंग के साइन होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और एकदम ग्लास की तरह शाइन करती है। साथ में जो डिस्कलरेशन है या अगर पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे। तो चलिए आज के इस DIY उपटन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बिकॉज अभी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि ना ही रीच जा रही है, ना ही व्यू आते हैं, ना ही आपका लाइक कमेंट कोई सपोर्ट नहीं मिलता। फिर आप लोग बोलते हो कि हम इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं और आप वीडियो नहीं बनाते हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए, और अगर वीडियो पे प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा ना। तो प्लीज अपना सपोर्ट दे ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं। आज मैंने अपनी स्किन पे कोई हैवी मेकअप नहीं किया है, जस्ट मैंने एक बीबी क्रीम अप्लाई की है जो कि डर्माको की है, और उसके बाद मैंने हल्का सा काजल एंड लिपस्टिक अप्लाई कर रखा है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है मैंने ब्लश एंड हाइलाइटर भी अप्लाई कर रखा है। बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ बीबी क्रीम अप्लाई की, उसके बाद भी मेरा चेहरा इतना ज्यादा शाइन कर रहा है। तो अगर आप भी बिना मेकअप किए हुए ऐसे ही ग्लो एंड शाइन अपने चेहरे पे चाहते हैं तो आपको भी इस DIY को जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। आप इसे प्रिपेयर करके आराम से स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आपके लिए अप्लाई करना बहुत इजी हो जाए। तो चलिए इसे हम साथ में प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है। फर्स्ट हमें एक बड़ा सा बाउल लेना है इस तरीके से, और पहला इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वान्टिटी आप थोड़ी सी डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर, जो कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँ 1 टेबल स्पून रोज़ पाउडर, जो कि लार्ज पोर्स को टाइट करने में हेल्प करेगा, ओपन पोर्स को रिड्यूस करेगा और इन्फ्लामेशन या रेडनेस को भी कम करेगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँ 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर, जो कि हमारी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेके आती है, स्किन को हाइड्रेट भी रखती है, ब्राइटन इफेक्ट भी लेके आती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर, ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि पिगमेंटेशन एंड मिलाज्मा को रिड्यूस करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बीट रूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर ऐड करना है जो कि कोलेजन को बूस्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन कोरियन की तरह यंग नज़र आए, फ्री रेडिकल्स या एजिंग के साइन रिड्यूस हों, तो आप यहाँ पे बीट रूट पाउडर ज़रूर यूज़ करोगे, या आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हो बीट रूट को कद्दूकस करके और उसे ड्राई कर लेना, देन आप उसका पाउडर बना सकते हो। तो सभी इन्ग्रीडियंट को लेने के बाद मैंने इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका ड्राई उपटन तैयार कर लिया है। आप जानते हो कि उपटन को मिक्स करने के बाद, उसका मास्क बनाने के बाद आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हो, एक बार ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप 15 या 20 डेज के लिए एक साथ उपटन बना के रख लो, तो आप इस तरीके से ड्राई फॉर्म में रख सकते हो, जिसे आप जब मर्जी चाहो तब यूज़ कर सकते हो। उस वक्त आपका टाइम भी बचेगा और आपको बार बार इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा भी नहीं करना पड़ेगा। तैयार करने के बाद आप इसे इस तरीके से किसी भी एयर टाइट जार में या बॉक्स में फिल करके रख सकते हो, और जब भी आपको यूज़ करना है किसी पार्टी फंक्शन से पहले, फेस्टिवल से पहले, या आप बाहर जा रहे हो तैयार होना है, ये टैन को रिमूव करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको बाउल में लेना है, उसमें आप 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, या गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, या फिर दही ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दही ज़्यादा सही रहता है क्योंकि इसमें जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये जो भी डार्कनेस या डलनेस है उसे तो कम करता ही है, साथ में जो एक्सेस ऑयल फेस पे आ जाता है धूप की वजह से उसे भी रिड्यूस करता है, बिकॉज ये सेबम को कंट्रोल करता है और फेस को बिल्कुल कूल कर देता है।
तो मैंने इसमें एक छोटा बाउल दही ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून पाउडर लेके, और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लिया। बहुत ही स्मूथ एंड फाइन उबटन तैयार होगा, बिल्कुल भी इसमें रफनेस नहीं है। और जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करोगे ना, बिल्कुल बटर की तरह ग्लाइड होगा, ऐसे लगेगा कि आप अपने फेस पे कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हो। और अगर आपको डेली ग्लो चाहिए, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिस तरीके से आप एक फेस वॉश को यूज़ करते हो डेली, उसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और डेली अगर आप इसे यूज़ करेंगे, 7 दिन के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, स्किन पे एक अलग सा ही ग्लो नज़र आने वाला है, और जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डिसकलरेशन है या ब्लैक मार्क्स हैं, तो वो भी रिड्यूस होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको बट नाइट में अप्लाई करना पड़ेगा। नाइट में अप्लाई करने के बाद आप 25 से 30 मिनट के लिए फेस पे रहने दें, उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में अप्लाई करें तो फिर 10 या 15 मिनट बाद आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। जब मैंने उबटन को तैयार किया था, डेट टाइम पे आप मेरे फेस पे जो डलनेस थी वो देख सकते हैं, एंड अभी आप मेरा फेस यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग नज़र आ रहा है। डिफरेंस देखने के लिए आप मेरे नेक एंड फेस का डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे अपने सिर्फ फेस पे ही अप्लाई किया था, तो इसलिए वहाँ पे ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसे पूरी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक मैजिकल DIY उपटन। ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये मुझसे या मेरे ऊपर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप इसके इंग्रेडिएंट को ध्यान से देखिए, उनके बारे में पढ़िए, देन आपको पता चलेगा कि उनकी प्रॉपर्टी के बिहाव पे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज वो हमारे स्किन में इन सभी बेनिफिट्स को ऐड करते हैं। स्किन में क्लाइजन को बूस्ट करेंगे, स्किन को बिल्कुल क्लीन क्लियर कर देंगे, मिलाजमा या पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे, और एक्ने एंड पिंपल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि ये DIY उपटन हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, स्किन से सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने वाला है, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही कमाल के हैं। तो जरूर ट्राई करके देखना। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, प्रिपेयर करके रखिए। जब भी आपको किसी फंक्शन या फेस्टिवल के किसी भी उत्सव में जाना है, देन आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको बहुत ही अच्छा ग्लो मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना टॉपिक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।